अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद मारिया यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। तो आज हम बना रहे हैं दही भल्ले, और दही भल्ले में जो फुल्कियाँ डलती हैं हम उसका बैटर रेडी करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए 1 डिश बेसन, 1/2 डिश हमने माश की दाल को ग्राइंड कर लिया है, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून नमक और पानी। अब हम इस सब चीज़ों को मिक्स करके इसका बैटर रेडी कर लेते हैं। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसका बैटर हमने बिल्कुल उसी तरह तैयार करना है जिस तरह हम केक का तैयार करते हैं। इसको बस मिक्स अच्छे से करना है, इसलिए इसका बैटर अच्छे से मिक्स हो जाए। इसका बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसकी फुल्कियाँ रेडी करेंगे। मैं फुल्कियाँ इस चम्मच से बनाऊंगी, और अगर आपके पास ये वाला चम्मच नहीं है तो आप ये चावलों वाले चम्मच से भी बना सकते हैं, और मैं आपको इससे भी बनाना सिखाऊंगी, और हाथ से भी बना सकते हैं। तो मैं आपको हाथ से भी और इससे भी बनाना सिखाऊंगी। अब हम अपनी फुल्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया, हम फुल्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम को हमने आस्ता रखना है। फुल्कियां हमारी रेडी हो चुकी हैं। ये हमने चम्मच से बनाई थी, ये हाथ से, और ये चावलों वाले चम्मच से। अब हम अपने दही भल्ले रेडी कर लेते हैं। दही भल्ले बनाने से पहले हम इमली की चटनी रेडी कर लेंगे, और उसके लिए मैंने इमली को 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। तो उसमें हमें फिर चाहिए ये दरदरी मिर्च 1 टीस्पून, और 4 टेबलस्पून चीनी, नमक 1/2 टीस्पून, और ये ज़ीरा मैंने लिया है, ये साबुत ज़ीरा नहीं है। इसको मैंने हल्का सा ग्राइंड कर लिया मशीन में, दरदरा कर लिया, और ज़ीरा। अब हम अपनी चटनी रेडी करते हैं। मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। अब मैं इसमें इमली का ये पानी ऐड कर दूँगी, इमली का पानी। इमली की सारी गुटलियाँ मैंने निकाल ली थी। मैं इसमें ये मिर्ची ऐड करूँगी, नमक, ज़ीरा और चीनी। मैंने पानी थोड़ा सा और ऐड कर लिया था। तो दही भल्ले बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, आलू लिए हैं 2 अदद, 1 डिश चने बॉयल किए हुए, प्याज 2 अदद, थोड़ी सी बंद गोभी ली है 1 अदद, टमाटर, और ये ज़ीरा जो मैंने इमली की चटनी में ऐड किया वही ज़ीरा है, और 2-4 अदद हरी मिर्चें हैं, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, और दही लिया है 1/2 kg, और ये जो हमने फुल्कियाँ तैयार की थी मैंने इसको पानी में भिगो के रख दिया था, और 10 मिनट के बाद निकाल लिया था। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। दरदरी मिर्च भी ऐड करेंगे। तेरी मर्जी
इसको एक अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। आज की मेरी रेसिपी रेडी है, तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। तो तब के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।